गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम वायरसेज। वायरस क्या होता है, तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, वायरसेज आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कल हम लोगों ने बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था, तो यहाँ से हमको वायरस से पढ़ना है। तो जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। यू कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है तो आप उसे नहीं देख सकते हो, क्लियर। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। वायरसेज आर ऑलवेज हार्मफुल टू अस। ये हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड मैन। तो इसके कारण क्या होता है, प्लांट्स में भी डिजीज हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, मैन में भी हो सकता है, क्लियर। डिजीजेज कॉजेज वायरसेज इन मैन आर पोलियो, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। तो इसके वायरस के कारण कौन 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 से डिजीजेस होते हैं, पोलियो हो सकता है, मीजल्स मीन्स क्या होता है, खसरा, ये हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, और भी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप जैसे फिगर देख रहे हैं, मीजल्स यानी खसरा इस तरह से होता है, कॉमन कोल्ड, पोलियो, पोलियो में देखिए, वायरल फीवर, क्लियर, सबका फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। तो माइक्रोब्स का अगला टाइप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर बिगर देन बैक्टीरिया इन साइज। प्रोटोजोआ होता है बैक्टीरिया से बड़ा होता है। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल पाया जाता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ये एक जगह से दूसरे जगह ये घूम भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज अमीबा एंड पैरामीशियम और कॉमन प्रोटोजोआ। जो कॉमन प्रोटोजोआ का नाम है अमीबा है, एक पैरामीशियम है। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ प्रोटोजोआ जो होते कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। सम इन सैल्टी वाटर, कुछ जो होते हैं सैल्टी वाटर में रहते हैं। एंड अदर इन द सॉयल, और कुछ प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं, सॉयल में भी रहते हैं, क्लियर। सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड लीव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी पे रह के अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो कुछ जो होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की पे के बॉडी पे रह करके अपना जो है फूड प्राप्त करते हैं, क्लियर। दे कॉज डिजीज लाइक डिसेंटेरी, मलेरिया, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, डिसेंटेरी मतलब क्या होता है, पेचिस नामक रोग हो सकता है, क्लियर, इसकी इसके कारण, और मलेरिया भी हो सकता है, क्लियर। जैसे मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो क्या है, अगर देखा जाए तो मॉस्कीटो अगर देखा जाए तो ये क्या है, पैरासाइट है। अगर ये दूसरे बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्लियर। नेक्स्ट है फंगी। फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगी जो होता है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट के जैसे देखने में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्लियर। क्लोरोफिल की स्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो अपना ये भोजन नहीं बना सकते हैं। फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो मरे हुए या सड़े हुए एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो उनसे ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। लाइक बैक्टीरिया सम फंगी आर यूजफुल। कुछ फंगी जो होते हैं यूजफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वाइल सम अदर आर वेरी हार्मफुल। बहुत सारे जो फंगी होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ईस्ट इज अ यूजफुल फंगी। अब ईस्ट जो होता है ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही यूजफुल फंगी होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। इसका यूज कहाँ होता है, ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, इडली, ढोकला, भटूरा एसेट्रा, तो ये सब बनाने में इसका यूज होता है। फंगी कॉज फूड पॉइजनिंग एंड स्किन डिजीज लाइक रिंग वार्म। तो फंगी के कारण जो होता है कौन सा रोग हो जाता है, रिंग वार्म, स्किन डिजीज हो सकता है, और स्किन डिजीज में जैसे रिंग वार्म, क्लियर। तो फंगी के कारण क्या हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ क्या लिखा हुआ है, यूजफुल माइक्रोब्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे।